देश में महंगाई हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत आम जनता को है। इसी बीच खुदरा महंगाई के 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच जाने की खबर भी आई। अप्रैल 2022 में थोक महंगाई ने भी रिकॉर्ड बना दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में थोक महंगाई की दर 15.08% रही, जबकि अप्रैल 2021 में थोक महंगाई की दर 10.74% थी। देश में बड़ी महंगाई के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ज्ञानवापी मुद्दे के बीच राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया और मोदी सरकार को तानाशाही करार दे दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, जनता के मुद्दे कमाई महंगाई, बीजेपी के मुद्दे दंगा तानाशाही। देश को आगे बढ़ाना है तो भाजपा की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना है। आओ मिलकर भारत जोड़ो। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। राशिद अल्वी ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बात नहीं करती है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर मंदिर मस्जिद करने के आरोप लगाए। देश का प्रधानमंत्री ये तमाशे करना चाहता है तो जो मस्जिदें हैं जिन पे आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उन सबको तोड़ दीजिए। आपके पास ताकत है, आपके पास फौज है, आपके पास पुलिस है, कौन रोकेगा? आप उन सबको खत्म करके जहां मंदिर बनाना मंदिर बनाइए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को अपनी तस्वीर देश के सामने साफ करनी पड़ेगी कि आप चाहते क्या है, ताकि दुनिया ये देखे कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान गया था, क्यों नहीं प्रधानमंत्री से बात की नफरत के खिलाफ? 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने से पहले। कितनी नौकरियां दी हैं आपने? महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, आपको इन चीजों की परवाह ही नहीं है। आपको तो मस्जिद और मंदिर का झगड़ा चाहिए। आप कभी देखते नहीं है कि देश के अंदर इन्फ्लेशन कितना बढ़ता चला जा रहा है? जो देश पे कर्जा था कांग्रेस के जमाने में वो 75 लाख करोड़ था, आज वो बढ़ के 153 लाख करोड़ रुपया पहुंच चुका है। क्यों नहीं इस पे बहस होती? क्यों नहीं जनता को ये बताया जाता? बेरोजगारी है, महंगाई है, हालात खराब है, और इन्हीं को दबाने के लिए मंदिर मस्जिद का झगड़ा ये लोग पैदा करते हैं। दरअसल देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमले कर रही है। पार्टी नेता राहुल गांधी खुद केंद्र सरकार पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जोरदार हमला बोला है। देश में न्याय व्यवस्था में पहली बार किसी जज ने व्हाट्सएप के माध्यम से सुनवाई की है। इतना ही नहीं, जज ने बकायदा आदेश भी व्हाट्सएप पर ही सुना दिया। हैरान करने वाला मामला मद्रास हाई कोर्ट का है, जहां रविवार को एक जज ने कोर्ट में नहीं होने के चलते व्हाट्सएप का सहारा लिया। व्हाट्सएप के जरिए सुनवाई का मामला देश में पहली बार सामने आया है। मामला तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के मंदिर श्री अभिष्ट वरदराजा स्वामी से जुड़ा है, जहां पर हर साल निकलने वाली रथ यात्रा पर हिंदू धार्मिक और परमार्थ विभाग के निरीक्षक ने मंदिर प्रशासन और ट्रस्टी को रथ यात्रा रोकने के आदेश दिया था। इस मामले में श्री अभिष्ट वरदराजा मंदिर के वंशानुगत ट्रस्टी पीआर श्रीनिवासन ने दलील दी थी कि अगर सोमवार को उनके गाँव में प्रस्तावित रथ यात्रा आयोजित नहीं होगी तो गाँव को दैवीय प्रकोप झेलना पड़ेगा। इस मामले में इमरजेंसी को देखते हुए जज जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने व्हाट्सएप के जरिए मामले की सुनवाई की। जस्टिस ने मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही कहा कि रिट याचिकाकर्ता की प्रार्थना की वजह से मुझे नागरकोलई से इमरजेंसी सुनवाई करनी पड़ रही है। ये सुनवाई व्हाट्सएप के जरिए की जा रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने नागरकोइल से मामले की सुनवाई कर रहे थे। वहीं याचिकाकर्ता के वकील वी राघवाचारी और सॉलिसिटर जनरल आर शुंग मुंग सुंदरम अलग अलग जगह से इस सुनवाई में हिस्सा ले रहे थे। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी आर स्वामीनाथन रविवार को एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए शहर से बाहर नागरकोइल में गए थे। वहीं से इस मामले की व्हाट्सएप के जरिए सुनवाई की। सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा कि हिंदू धार्मिक व परमार्थ विभाग के संबद्ध निरीक्षक को मंदिर प्रशासन और ट्रस्टी को रथ यात्रा रोकने का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में निरीक्षक का आदेश खारिज किया जाता है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने जज से कहा कि सरकार को महोत्सव के आयोजन में कोई दिक्कत नहीं है।
सरकार की चिंता केवल आम जनता की सुरक्षा है। उन्होंने तर्क दिया कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने के चलते तंजौर जिले में हाल ही में ऐसी ही एक रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया था। इस पर जज ने मंदिर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि रथ यात्रा के आयोजन के दौरान सरकार की ओर से निर्धारित नियम और शर्तों का कड़ाई के साथ पालन किया जाए। इसके साथ ही जज ने सरकारी विद्युत नियामक कंपनी टैन गेट को रथ यात्रा शुरू होने से लेकर समाप्ति तक कुछ घंटों के लिए इलाके की बिजली काटने के निर्देश दिए। बता दें कि हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी जज ने व्हाट्सएप के जरिए किसी मामले की सुनवाई की है। हालांकि कोरोना काल के दौरान कई मामलों में कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में अहम सुनवाई और आदेश दिए हैं। मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और लोकसभा सांसद कार्ति चिदम्बरम के मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु के शिवगंगा स्थित ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। अब सीबीआई की छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में लिखा, सीबीआई की एक टीम ने चेन्नई में मेरे आवास और दिल्ली में मेरे आधिकारिक आवास की तलाशी ली है। चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में लिखा कि सीबीआई की टीम ने मुझे एक प्राथमिकी दिखाई जिसमें मेरा नाम आरोपी के तौर पर नहीं था। तलाशी के लिए पहुंची टीम को कुछ नहीं मिला और उन्होंने कुछ जब्त भी नहीं किया। चिदम्बरम ने छापेमारी करने वाली टीम की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इसकी टाइमिंग भी काफी दिलचस्प थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ चीन के 250 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने मंगलवार की सुबह चेन्नई और देश के अन्य शहरों में स्थित कार्ति चिदम्बरम के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। तमिलनाडु और मुंबई में 3-3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। वहीं पंजाब, कर्नाटक और ओडिशा में 1-1 जगह छापेमारी हुई है। आपको बता दें, कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई ने हाल ही में एक ताज़ा केस रजिस्टर किया था। ये केस विदेश में पैसा भेजने से जुड़ा है। आरोप है कि ऐसा 2010 से 2014 के बीच हुआ था। शुरुआती जांच के बाद इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। बता दें कि इससे पहले आईएनएक्स मीडिया केस में भी कार्ति चिदम्बरम का नाम सामने आया था। उनके विदेश जाने पर भी रोक लगी हुई थी, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में ही उनको शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दी गई थी। We'll be right back.